तो चलिए आज अपनी किचन में हम बनाते हैं मिक्स वेज की बहुत ही टेस्टी सब्जी, जिसमें कि ना तो आपको सब्जियों को तलना है जैसे कि यूजुअली किया जाता है और ना ही कोई ग्रेवी बनानी है। एक पैन में यानी कि सेम पैन में हम पूरी सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। झटपट से आप सिर्फ 10 मिनट में ये सब्जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टील का पैन लिया है और अब इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हीट करके डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। जीरे को अच्छे से चटका लेंगे और इसके बाद में इसमें जाएगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। आप चाहे तो प्याज को चॉपर में चॉप करके या फिर इसको ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है कर। इसके साथ ही इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो सबसे पहले प्याज को हल्का सा हम भून लेते हैं और इसके बाद में इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप चाहे तो लहसुन और अदरक को बारीक काटकर या घिसकर या फिर ताजा पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीजों को अब इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। बहुत ज्यादा ऑयल का हमने स्टार्टिंग में यूज नहीं किया था, तो प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया। इसके बाद में अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल और डाल दिया है। तो ऐसा करने से प्याज कम तेल को एब्जॉर्ब करती है और ये देखिए जल्दी भुन भी जाती है। तो यहां पर हमें कोई ग्रेवी नहीं बनानी है, कोई तामझाम नहीं करना है। सिंपली क्या करेंगे हम, देखिए प्याज को भूनने के बाद में जो भी सब्जियां आपको ऐड करनी है, आपके फ्रिज में जो भी सब्जियां हो वो आप ले लें। मैंने यहां पर लगभग 350 ग्राम के करीब सब्जियां ली हुई हैं। फूल गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और मटर भी ली हुई है। साथ ही थोड़ी सी मैंने बीन्स ली है। तो इस तरह से मैंने सब्जियां ले ली है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप सब्जी ले सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में यहां पर आलू का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो आलू भी छोटा छोटा कच्चा काट कर डाल सकते हैं। अब सब्जियों को 2 मिनट तरह से बस चला लीजिएगा और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे ताकि सब्जियां गल भी जल्दी जाएं और साथ ही सब्जियां बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले नमक डाल दीजिए। पूरा नमक एक बार में हम नहीं ऐड करेंगे, वरना सब्जियां सारा ही नमक एक बार में एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर बहुत ज्यादा आपको नमक लगेगा जब आप सब्जी आपकी बनकर रेडी होगी। तो अब इसको कवर कर दीजिए लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर मैंने इसको कवर कर दिया था। अब एक मसाला हम बनाकर रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए 1/2 कटोरी हमने घर की दूध की मलाई ली है। इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मैंने कश्मीरी मिर्च यूज की है, आप चाहे तो इसमें रेगुलर रेड चिली पाउडर, जो भी आप घर में खाते हो वो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ऐड किया है और बहुत ज्यादा तीखापन भी नहीं आएगा इससे। अब बस सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर ये जो मलाई के साथ हम मसालों को मिक्स कर रहे हैं ना, इसको हम ऐड करेंगे सब्जी में। तो हमें कोई क्रीम, कोई मलाई, कोई अलग से कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट घर में ही आ जाएगा और आपके मसाले भी नहीं जलेंगे। देखिए 5 मिनट के बाद में ढक्कन को मैंने हटा दिया है। सब्जियों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और ये अभी लगभग 50% कुक हो चुकी हैं। अभी इनको अभी हमें और पकाना है अच्छे से, पर इससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर को कच्चा रफली काट कर हमने डाल दिया था मिक्सी के जार में और उसका प्योरे बना लिया। आप टमाटर को ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को सिंपली सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक हमने पहले ही डाला हुआ था हल्का सा, तो हमें अभी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो कवर कर देते हैं इसको अगेन हम 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक जाएगा, सब्जियों में जो कसर अभी बाकी है सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी और गल जाएंगी। तो लास्ट तक ना जो प्रोसेस हमारा होगा सब्जी बनने में, उस टाइम तक जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो जाएंगी। देखिए सब्जी को हमने यहां पर टमाटर को सब्जियों के साथ ही अच्छे से कुक कर लिया। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लगभग 3 मिनट के करीब मैंने टमाटर को यहां पर पकाया है। इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया ये मलाई वाला पेस्ट। तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे सब्जियों के साथ। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा कटोरी में, क्योंकि मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी भी हमें इसमें डालना होगा बाद में, तो थोड़ा सा पानी भी जाएगा इसमें। पर इससे पहले सबसे पहले इन मसालों को मिक्स कर देते हैं सब्जियों के साथ। यूजुअली जब भी हम मिक्स वेज बनाते हैं ना, तो हलवाई लोग जब भी बनाते हैं, शादी पार्टी में बनाते हैं या फिर होटल रेस्टोरेंट स्टाइल जो बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, सब्जियों को डीप फ्राई किया जाता है उसके बाद बनाया जाता है। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होती वो सब्जी। तो घर में हम बनाएंगे इसको बिना तले हुए बना लीजिए इस तरह से, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। 150 ग्राम के करीब मैंने इसमें कॉटेज चीज यानी कि पनीर डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी लगभग 1/2 टीस्पून के करीब और मैंने पानी डाल दिया है 1/4 कप के। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप मिला लीजिए और अगेन इसको ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट कुक कर लेंगे। 1/2 चम्मच के करीब नमक मैंने और डाल दिया।
क्योंकि नमक हमने स्टार्टिंग में कम ऐड किया था। तो ढक्कन लगाकर इसको अगेन 5 मिनट्स के लिए ना ढककर छोड़ दीजिएगा लो फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट्स के बाद में यहां पर जो हमारी सब्जी है ना, इसको हम 2 मिनट तक और इस तरह से ओपन फ्लेम में पका लेंगे, ताकि अगर इसमें हल्का सा भी पानी हो ना तो वो पूरा एकदम इवेपोरेट हो जाए। इसके बाद में आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खाइए। हमारी ये मिक्स वेज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लंच में, डिनर में कभी भी आप सर्व कर सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल पर बनाइए, जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के फेस्टिवल पर बना सकते हैं, रक्षाबंधन पर बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, मेरे कहने से एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। बाहर से हम कोई भी चीज हमने ऐड नहीं किया, कोई बाजार का मसाला नहीं डाला है, कोई क्रीम, कोई काजू नहीं यूज किया, फिर भी आप देखिए हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप चाहें तो इसको और गलाना चाहते हैं, जैसे कि ये वैसे तो मिक्स वेज में ना सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं, जैसे मैंने रखा है, आप चाहें तो इसको फर्दर लो फ्लेम पर कर 5 मिनट तक और गला सकते हैं, तो सब्जियां और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं, रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी बनी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। तो कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बताएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी, जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। पनीर मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो पनीर डालें या फिर स्किप कर दें, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो सर्दियां आ रही है, फटाफट से सब्जी बना डालिए, क्योंकि ढेरों ढेर सब्जियां आने वाली है। हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी सब्जी है ये। तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।